हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओको लोकल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्ष्य 100 प्लस 90 डेज रिवीजन कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाते हैं। डे 50 में हम लोग पहुंच चुके हैं, साइंस एंड टेक, ठीक है। पार्ट थर्ड आज रहने वाला है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने कोर्स एनरोल नहीं किया है तो फिर रोज की तरह मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कोर्स को एनरोल कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और ये वीडियोस देखने के लिए जहाँ पर हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं वो देखने के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए आज के दिन के पांच क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये है देखिए दिन का पहला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द 7 मेगा मिशंस अनाउंस्ड बाय इसरो, ठीक है। चंद्रयान 2, मंगलयान 2, वीनस मिशन, जुपिटर मिशन, एक्सपोसेट और आदित्य L1, ठीक है। चलिए 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा, जब आप बताइए इनमें से कौन से ऐसे हैं जो 7 मेगा मिशंस ऑफ इसरो में इंक्लूडेड है। देखिए इसका जो सही जवाब है वो है बी। इसमें से ये जो फोर्थ वाला है दैट इज योर जुपिटर मिशन, ये नहीं है, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो हैज अनाउंस्ड इट्स प्लान्ड 7 मेगा मिशंस विच विल बी कंडक्टेड ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स, यानी कि अगले 10 सालों में होंगे। कौन कौन से हैं देखिए, चंद्रयान 2 है, एक्सपोसैट है दैट इज टू स्टडी द कॉस्मिक रेडिएशन इन 2020 में होगा, ये 2019 में हो चुका है, जिसमें बेसिकली हमने देखा था कि जो आपका लैंडर था वो क्रैश हो गया था उस पर पहुंचने से पहले, ठीक है। फिर एक आदित्य L1 है दैट इज टू द सन, ये 2021 में होगा अगले साल। फिर है मंगलयान 2 दैट इज योर मार्स ऑर्बिटर मिशन 2, ठीक है, इन 2022। फिर है पोलर एक्सप्लोरेशन, ठीक है, दैट इज चंद्रयान 3 2024 में। वीनस मिशन होगा 2023 में और एक्सो वर्ल्ड एक होगा दैट इज एक्सप्लोरेशन आउटसाइड द सोलर सिस्टम इन 2028, ठीक है। तो ये है वो 7 मिशन जो 7 मेगा मिशन का पार्ट है। इसमें से जुपिटर मिशन को लेकर कुछ भी चीज नहीं बोली गई है, ठीक है। इनमें से जो प्लान्ड मिशन है वो ये 2 अभी तक प्लान्ड मिशन है और ये बाकी जो है ये वाले हैं ये अभी तक अनप्लान्ड है, ठीक है, क्योंकि अभी आगे हैं 22, 24, 23, 28, ठीक है। अब ये 20 और 21 वाले जो है ये प्लान्ड है, तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये चीज़ें क्या है, एक्सपोसैट देख लेते हैं क्या है। एक्सपोसैट इज अ एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट और एक्सपोसैट इज इसरोज डेडिकेटेड मिशन टू स्टडी पोलराइजेशन, ठीक है। इट विल बी लॉन्च्ड इन ईयर 2020, ठीक है। इट विल बी अ 5-ईयर मिशन एंड विल स्टडी कॉस्मिक रेडिएशन। इट विल बी कैरिंग अ पेलोड जिसका नाम होगा पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज दैट इज पोलिक्स। द स्पेसक्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन अ सर्कुलर 500 to 700 किलोमीटर ऑर्बिट, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन यूपीएससी ये पूछ सकता है कि व्हाट इज दिस पोलिक्स, तो ध्यान रखेगा इट इज अ पेलोड, ठीक है, जो कैरी करेगा कौन, एक्सपोसैट, ठीक है। चलिए अगला है अबाउट आदित्य L1 मिशन। आदित्य का जो L1 मिशन है वो देख लेते हैं क्या है। ये इंडिया का पहला सोलर मिशन होगा, ठीक है। इट विल स्टडी द सन्स आउटर मोस्ट लेयर्स द कोरोना, ठीक है, ये वो कोरोना नहीं है जो आजकल चल रहा है, ठीक है। ये अर्थ की, ये जो सन की आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोला जाता है कोरोना, ठीक है, एंड द क्रोमोस्फेयर्स एंड कलेक्ट डेटा अबाउट कोरोनल मास इजेक्शन विच और विल ऑल्सो यील्ड इंफॉर्मेशन फॉर अर्थ फॉर स्पेस वेदर प्रेडिक्शन, ठीक है। डेटा जो होगा फ्रॉम आदित्य मिशन विल बी इमेंसली हेल्पफुल इन डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन different models for the origin of solar storms and also for constraining how the storms evolve and what path they take through the interplanetary space from the sun to the earth, theek hai. And in order to get the best science from the sun, continuous viewing of the sun is preferred without any occultation or eclipses, theek hai. And hence Aditya L1 satellite jo hai will be placed in the halo orbit अराउंड दी लेग्रांजियन पॉइंट 1 दैट इज L1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम, ठीक है। ये लेग्रांजियन पॉइंट बेसिकली एक इस तरीके का पॉइंट होता है सेलेस्टियल मैकेनिक्स में, 5 पॉइंट होते हैं, ठीक है, L1 से लेकर L5 तक। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका सन है और ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये अगर इस तरीके से इसका ये ऑर्बिट है, ठीक है, थोड़ा सा राउंड नहीं बना, कोई बात नहीं, चलिए, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, ठीक है। ये 5 पॉइंट जो है दीज आर योर लैग्रांजियन पॉइंट्स L1, L2, L3, L4 और L5, ठीक है। इसमें मैं जो आपसे क्वेश्चन
मतलब यूपीएससी से अगर मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक तो यही है कि लैग्रांजियन पॉइंट L1 में ये होगा सोलर, जो आदित्य मिशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान ये रखिएगा कि L1, L2 और L3 पॉइंट्स जो है वो एक लाइन में है, L1, L4, L5 जो है वो एक लाइन में है, ठीक है। L1 और L2 पॉइंट जो है वो इस राउंड सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। L1 अंदर है, L2 बाहर है, बाकी L3, L4 और L5 जो है वो इस सर्कुलर ऑर्बिट में है, ठीक है। और इनकी जो रिलेटिव पोजीशंस है, यानी कि L1, L2, L3, L4 और L5 की, इनकी रिलेटिव पोजीशंस आपस में फिक्स है, ये रिलेटिव पोजीशंस इनकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। L1 के एक साइड L3 है, एक साइड L2 है, उसी तरीके से एक साइड L4 और एक साइड L5 है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आप। इससे ज़्यादा यूपीएससी एज अ मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है, एक सिविल सर्वेंट सर्विसेज एस्पिरेंट है, यूपीएससी से ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखिएगा, काफ़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिन का क्या है दूसरा क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू निपाह वायरस, ठीक है, आजकल वैसे कोरोना वायरस का जमाना चल रहा है, लेकिन हम बात करेंगे निपाह वायरस की। सीन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। इट इज अ वायरस इन्फेक्शन दैट ट्रांसमिट्स फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ठीक है, एनिमल से ह्यूमन में जाता है। दूसरा है, एट प्रेजेंट नो वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स टू क्योर निपाह वायरस। रिसेंटली एन आउटब्रेक ऑफ निपा हैज अकर्ड इन द स्टेट ऑफ आसाम, ठीक है। कौन सा जवाब सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी बताइए। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है। देखिए इसका जो जवाब सही है दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। थर्ड गलत है क्योंकि ये आसाम में नहीं हुआ था, ठीक है। आइए देखते हैं कहाँ हुआ था फिर। अकॉर्डिंग टू WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, निपाह वायरस इन्फेक्शन इज अ न्यूली इमर्जिंग जूनोसिस। जूनोसिस का मतलब होता है दैट इज अ डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ठीक है। कोरोना वायरस भी बेसिकली यही चीज है। द वायरस बिलोंग्स टू अ न्यू जीनस टर्म्ड एज हेनिपा वायरस, ठीक है, जिसकी सब फैमिली है पैरामाइक्सोविरेनी, ठीक। नेचुरल होस्ट ऑफ द वायरस कौन है, फ्रूट बैट्स, बिलोंगिंग टू द एनिमल बिलोंगिंग टू द फैमिली टेरोपोडिडे, ठीक है, टेरोपोडिडे। इन 2004 ह्यूमंस वर अफेक्टेड आफ्टर ईटिंग द डेट पाम कंटेमिनेटेड बाय इन्फेक्टेड फ्रूट बैट्स, और पिग्स जो है वो भी एक इंटरमीडिएट इसके होस्ट हो सकते हैं, ठीक है। करेंटली इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है फॉर बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इंटेंसिव सपोर्टिव केयर इज गिवन टू ह्यूमंस इन्फेक्टेड बाय निपा वायरस, मतलब बिल्कुल लगभग लगभग आप तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि सेम केस है, जैसे कोरोना वायरस का केस अभी चल रहा है उसी तरीके से सेम केस है, बस ये इतना ज़्यादा अभी कह सकते हो कि डेडली नहीं था, जितना ज़्यादा कोरोना वायरस डेडली हो चुका है ये उतना ज़्यादा डेडली नहीं था। लेकिन कोरोना वायरस के बारे में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, तो बेसिकली हो सकता है कि निपा वायरस से क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूपीएससी में, ठीक है, हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और द डेडली निपा वायरस जो था वो केरला में आया था पिछले साल, ठीक है, आपको अगर ध्यान होगा, अगर आप लोग न्यूज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो आसाम में नहीं आया था, केरला में आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिन का क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑब्जेक्टिव स्पिट्जर टेलीस्कोप ऑफ नासा, ठीक है। स्पिट्जर टेलीस्कोप जो है नासा का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी द यूनिवर्स इन द इंफ्रारेड, टू स्टडी द यूनिवर्स इन द विजिबल लाइट, टू स्टडी द यूनिवर्स इन द गामा रे, और टू स्टडी द यूनिवर्स इन द एक्सरे, ठीक है। चलिए जवाब बताइए इसका आप लोग, 15 सेकंड का टाइम रहता है आप लोगों के पास जवाब देने के लिए, आप लोग आंसर अपना बता सकते हैं, लिख सकते हैं, या बाद में भी अगर आपका भी क्वेश्चन ये वीडियोस देखते हैं तो उस टाइम पर भी आप इस टाइमर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, दैट इज टू स्टडी द अर्थ इन द यूनिवर्स इन द इंफ्रारेड। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। नासास स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप वॉज लॉन्च्ड इन 2003 टू स्टडी द यूनिवर्स इन द इंफ्रारेड, ठीक है। ये जो नासा का ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम है उसका लास्ट मिशन है, ठीक है, जिसमें हमने 4 स्पेशलाइज टेलीस्कोप्स देखे थे, मतलब ये जो 4 जो नासा का ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम है इसमें 4 स्पेशलाइज टेलीस्कोप थे, ठीक है, इंक्लूडिंग दी हबल स्पेस टेलीस्कोप, लॉन्च बिटवीन 1990 टू 2003। स्पिट्जर फोकसेस ऑन द इंफ्रारेड बैंड विच नॉर्मली रिप्रेजेंट्स हीट रेडिएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो अदर ऑब्जर्वेटरीज थी दे लुक्ड एट द विजिबल लाइट, कौन सी थी, हबल टेलीस्कोप जो था उसने विजिबल लाइट पे फोकस किया था। गामा रेस पे जिसने किया है दैट इज कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, और ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, ठीक है, हबल जो है वो अभी ऑपरेशनल है। और एक्सरे पे जिसने किया है दैट इज चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी विच इज स्टिल ऑपरेशनल, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ ऑप्शन में चारों दिए थे कि टू स्टडी द यूनिवर्स इन द इंफ्रारेड, विजिबल, गामा रेज और एक्सरेज, तो चारों है, ठीक है,
लेकिन जो ये वाला है दैट इज योर स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, ये आपका किसमें है? इंफ्रारेड में, ठीक है, विजिबल में हबल है। गामा रेज में आपका ये है कॉम्पटन गामा एक्सरे, गामा रेज सॉरी, और एक्सरेज में है आपका चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। जो ये स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है नासा का, ये रिटायर हो चुका है इस साल 30 जनवरी 2020 को, एंड स्पिट्जर वॉज शट डाउन परमानेंटली आफ्टर अबाउट 16 ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरिंग द कॉस्मोस इन द इंफ्रारेड लाइट, ठीक है। 2003 में लॉन्च हुआ था तो लगभग 16 साल इसने काम किया और इस साल इसको परमानेंटली शट डाउन किया जा चुका है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं दिन का क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लूनर इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली, ठीक है, LESA, रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेस्क्यू एन एस्ट्रोनॉट शुड ही और शी सफर्स एन इंजरी ऑन द लूनर सरफेस। दूसरा है टू रिमूव द स्पेस गार्बेज। तीसरा है टू इवैक्यूएट द पीपल फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरिया। और चौथा है टू डेवलप द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स, ठीक है। चलिए जवाब बताइए इसका आप लोग। ये देखिए इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। डेवलप्ड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ध्यान रखिएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको डेवलप किया है। लेसा इज अ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर हुज पर्पस इज टू रेस्क्यू एन एस्ट्रोनॉट शुड ही और सी सफर्स एन इंजरी ऑन द लूनर सरफेस। लेसा कैन बी ऑपरेटेड बाय अ सिंगल एस्ट्रोनॉट टू रेस्क्यू अ फॉलन कलीग। इट इनेबल्स एन एस्ट्रोनॉट टू लिफ्ट देयर क्रूमेट ऑन अ मोबाइल स्ट्रेचर इन लेस देन 10 मिनट्स बिफोर कैरिंग देम टू अ सेफ्टी ऑफ अ नियर बाय प्रेशराइज्ड लैंडर, ठीक है। क्योंकि वहां पर इस तरीके का आपने जो स्पेस सूट्स हैवी वगैरह पहने होते हैं तो वहां पर आप ये नहीं हो सकता कि आपका अगर कोई क्रू मेंबर या क्रूमेट जो है आपका कोई कलीग है अगर वो इंजर्ड हो गया तो आप उसको कंधे पर उठा के नहीं ला सकते। इसके लिए बेसिकली ये मोबाइल स्ट्रेचर वगैरह है जो है लेसा, ठीक है, दैट इज लूनर इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन दिन का, ड्रैगन फ्लाई रिसेंटली सीन इन द न्यूज रेफर्स टू अ पेस्ट दैट अफेक्ट्स वीट क्रॉप्स, अनमैंड न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन, का कंप्यूटर मालवेयर और अ क्रिप्टो करेंसी। क्या है ड्रैगन फ्लाई, बताइए बताइए इसका जवाब सही क्या है। व्हाट इज अ ड्रैगन फ्लाई? ये देखिए इसका सही जवाब जो है दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है, ये अनमैंड न्यूक्लियर पावर ड्रोन है, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। ड्रैगन फ्लाई एम्स टू सर्च फॉर साइंस ऑफ माइक्रोबायल एलियन लाइफ ऑन सैटर्न्स मून दैट इज टाइटन, ठीक है, वाइल नेविगेटिंग इट्स अर्थ लाइक ग्रेविटी एंड एरोडायनामिक्स इन द प्रोसेस। द मिशन विल सक्सीड नासास कैसिनी प्रोब, आपको पता है कैसिनी हाइगेंस जो था नासा का, विच एंडेड इट्स 13 ईयर मिशन ऑर्बिटिंग सैटर्न इन सेप्टेम्बर 2017 बाय ड्राइविंग इन टू सैटर्न्स एटमोस्फेयर, ठीक है, सैटर्न के एटमोस्फेयर में वो चला गया था और उसके बाद उसको जो मिशन था वो खत्म हो गया था, ठीक है। नासा प्लान्स टू लॉन्च एन अनमैन्ड न्यूक्लियर पावर ड्रोन ड्रैगन फ्लाई एज अर्ली एज 2026 में टू सर्च फॉर लाइफ ऑन सैटर्न्स लार्जेस्ट मून टाइटन, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि किसके लिए है। अब मैं यहां से आप पे दो सवाल पूछूंगा। सैटर्न का लार्जेस्ट मून दिया गया है टाइटन। सबसे पहले आप मुझे पहला सवाल का जवाब बताइएगा कि टोटल मून्स ऑफ सैटर्न कितने हैं, ठीक है, ज्यादा है इसलिए मैं आपके नाम नहीं पूछूंगा सबके, आप मुझे बस ये बताइए कि टोटल नंबर कितना है, टोटल मून्स ऑफ सैटर्न कितने हैं, पहली चीज। और दूसरा जो है ये टाइटन जो है ये लार्जेस्ट मून है किसका, सैटर्न का, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि लार्जेस्ट मून ऑफ सोलार सिस्टम, पूरे के पूरे सोलार सिस्टम का, सौर मंडल का सबसे बड़ा मून कौन सा है, ठीक है, उसका नाम आप बताएंगे और ये बताएंगे कि वो किस प्लैनेट को बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू विच प्लैनेट, ठीक है, बिलोंग्स टू विच प्लैनेट। जैसे आप कहते हैं कि जो मून है, जैसे मतलब जो अर्थ का मून है, अगर आप उसको लिखेंगे कि लार्जेस्ट मून जो है वो मून है और इट बिलोंग्स टू अर्थ, उस तरीके से आप यहां पर नाम बताएंगे और किस प्लैनेट को वो बिलोंग करता है वो मुझे बताएंगे, ठीक है। और टोटल मून्स ऑफ सैटर्न कितने हैं ये भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए तो ये थे आज के दिन के 5 क्वेश्चंस। जो लोग कोर्स को
फॉलो कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कोर्स पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ अपने साथ वाले, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को भी कोर्स के बारे में ज़रूर बताइए। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल अगर अच्छा लग रहा है, कोर्स पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। कोई कमेंट, कोई भी फीडबैक है, कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट अगर आपको है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने के बारे में फिर से कहूँगा मैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम, चिंता मत कीजिए, अभी पता लग जाएगा। ठीक है, और आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कुछ अगर चीज़ें शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ करें, हमें लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।